इसकी अच्छाई की क्या बात करो, जीरो में से हीरो मुझे बना दिया। मेरा नाम मनसुख भाई राघवजी भाई प्रजापति है, मैं कुम्हार हूं। मेरा पिताजी का एक ही लक्ष्य था कि मैं अकेला एक ही बेटा था, तो वो हमारा ये कुम्हार का काम में न लगे, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत थी, इसलिए इसने हमको मिस्त्री का काम में लगाया। लेकिन मिस्त्री का काम में मेरा मन नहीं था, मेरा तो मन पहले से ऐसा था कि हमारी जो परंपरा है इसमें कुछ सुधार करूं, लेकिन मेरा पापा की थोड़ी भी मर्जी नहीं थी। पढ़ो सर, धीमे 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 ऊपर। मैं एक बेटा था और मेरी जिद की वजह से मैंने 30,000 रुपया लेके हमारा खुद का पारंपरिक बिजनेस है उसमें नई टेक्नोलॉजी लाने का मैंने विचार किया। 30,000 रुपया में मैंने एक तवा बनाने की मशीन बनाई। बराबर है ना? और 1.5 लाख तवा टूट गया, तो भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जो कुम्हार लोग परिवार के मिलकर 100 तवा बनाते थे, तब मैं 3,500 से 4,000 तवा बनाते थे। गरीबों का एक सपना होता है कि हमारे घर में एक फ्रिज हो तो अच्छा है इलेक्ट्रिक, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्रिज लेने की तो बात छोड़ो, इलेक्ट्रिक का बिल भरने का भी उसके पास पैसा नहीं होता है। मैंने ये मिट्टी का फ्रिज बनाया, ये बिजली बिना चलने वाला मिट्टी का मिट्टी कूल फ्रिज है। फ्रिज की विशिष्टता यह थी, सिर्फ ऊपर पानी भरो और अंदर रखा हुआ सब्जियां और फ्रूट 5 से 7 दिन तक भी फ्रेश रहते हैं। हम लोग मिट्टी कुल का फ्रिज 6-7 साल से यूज कर रहे हैं और जीरो मेंटेनेंस पे चलता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पर्यावरण के लिए भी हेल्थी है। ये फ्रिज आने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो फ्रिज है वो हम लोगों ने यूज करना बंद कर दिया है, हम यही यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने ये मिट्टी का कुकर बनाया, डिनर सेट बनाया, बोतल बनाया और सारी चीज चम्मच से लेके फ्रिज तक की किचनवेयर सारी चीज हमने बना दिया। इसी आधार से हमने ये बहुत सारे अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने तो मुझे साइंटिस्ट का बिरुद दे दिया। मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मिट्टी से सारी चीज बनाई है और मिट्टी का जो बर्तन हमने बनाया है ये पहले तो मैं घर में यूज कर रहा हूँ और हमारे साथ जुड़े हुए पूरा समाज और पूरा देश भी ही मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ।